देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फरुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित नरायना मऊ गांव में स्कूली बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नरायना मऊ निवासी सहीम खान का 2 साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। वहां से गुजर रही स्कूली बस ने बच्चे को टक्कर मार दी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस बस से हादसा हुआ वो कायमगंज में स्थित सीपी विद्या निकेतन की है। स्कूल की बस आती है, छोटी वाली मैजिक। कौन से स्कूल की बस आती है? सीपी की। अच्छा, फिर उसने मतलब यहाँ बच्चा खेल रहा था तो दरवाजे पे सामने से आया, उसने टक्कर मार दी। सामने से टक्कर मारी पीछे से। तो आप लोगों ने रोकने का प्रयास वगैरह नहीं किया? प्रयास किया बहुत ज्यादा लोगों ने, और आके यहाँ भगा दिया उसे। गाली का गद्दारी हमारे ऊपर चढ़ा दी। फिरोजाबाद की एका थाना पुलिस व आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 पेटी अवैध शराब सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। यह शराब हरियाणा से तस्करी को ले जाई जा रही थी, जिसे यहां बेचा जाता था। थाना एका पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसने करीब 500 पेटी जो तस्करी की दारू है हरियाणा प्रांत की बनी हुई है, एक कैंटर ट्रक में इसको पकड़ा है। 500 पेटियों में करीब 24,000 बाटल हैं और इनकी अगर कीमत आकी जाए तो करीब 20 लाख रुपए है। और इसमें जो ड्राइवर है और वो टैंक कैंटर का मालिक भी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि यह थोक में वहाँ से लाता है, फिर इसको रिटेल करता है। आसपास के लोग आते हैं और गाड़ियों में ले जाके गाँव में इसको सप्लाई करते हैं। और कौन कौन इसमें संलिप्त है उसके बारे में पूछताछ करके पता किया जा रहा है। जौनपुर में एक बार फिर खाकी वर्दी शर्मसार होते नजर आई। यहां लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित नई गंज में कल देर रात एक सिपाही ने शराब के नशे में धुत होकर राहगीरों के साथ गाली गलौज की, साथ ही महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकत की। लोगों ने उसकी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जो मैंने फोटोग्राफ देखा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं वो प्रॉपर वर्दी में नहीं है। और मैंने तत्काल जो है वहाँ पे कोतवाली प्रभारी को सी ओ साहब को भेजा है, उसको देखे कहीं ऐसा अपनी दुर्घटना में घायल हो गया है या नशे की हालत में है। यदि नशे की हालत में होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यदि वैसे होगा तो उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए तत्काल। शाहजहाँपुर के निगोही थाना क्षेत्र में कल रात रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये हादसा शाहजहाँपुर पीलीभीत हाईवे पर बलेली गांव के पास हुआ। हमारे पास कुछ एक्सीडेंट के पेशेंट आए हुए हैं, 5-6 पेशेंट आए हुए हैं, जिसमें से अभी तक हमको जो ज्ञात हुआ है और देखे गए, उसमें 2 ब्रॉड डेड हैं पेशेंट और कुछ घायल हैं जिनका भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। शाहजहाँपुर के कांट थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में बीती रात घर में घुसे बेखौफ बदमाशों ने एक घर में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। रावतपुर निवासी रौनक अली ने बताया कि बीती रात वो अपने परिवार के साथ सो रहे थे। रात लगभग 12:30 बजे हथियारबंद आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हथियार की दम पर लूटपाट की और बड़े आराम से फरार हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। कटपट्टी में रखा जो भी माल जेवर था, वहाँ अंदर रखा हुआ था, उसी में से सब निकाल लिया। जो भी माल जेवर था, नकदी थी 2 लाख रुपया, वो भी निकाल लिया थे। और फिर नीचे जो है भांजा हमारा जो है नीचे लेटा, उसे जगाया, उसे माँ को लेकर गए थे। 2 किरायेदार थे, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे करी, उनका कमरा खुलवाया, उनके कहने माल जेवर जो नकदी थी वो ले ली। छोटा भांजा जो था उसे भी, उसे कुछ पैसा था उससे सब ले लिया। शाहजहाँपुर की तिलहर थाना पुलिस ने हरियाणा से आने वाली अवैध शराब के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 से तकरीबन 40 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये शराब हरियाणा से लखनऊ जा रही थी। पुलिस अभी इस पूरे रैकेट का खुलासा करने में लगी है। तिलहर पुलिस द्वारा आज शराब तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को पकड़ा गया है
उनके पास से एक फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ ट्रक भी बरामद हुआ है, जिसमें वो छुपाकर शराब को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। हमें ये शराब की जो वैल्यू एस्टिमेट की गई है, करीब 40 लाख की शराब की वैल्यू एस्टिमेट करी गई है, और अभी इसमें जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं, ये कहाँ से शराब लाई गई थी, कहाँ जा रही थी, इसकी तफ्तीश अभी की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में पथरिया विधायक रामबाई द्वारा एक अधिकारी को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में विधायक संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में स्थित ट्रेजरी ऑफिसर विवेक घारू को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रेजरी ऑफिसर लगातार अपना पक्ष रखने के लिए निवेदन करता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 6 नवंबर का है। वहीं अब इस मामले को लेकर कलेक्टर तरुण राठी को शिकायत की गई है, क्योंकि उन्होंने जिस वीडियो को वायरल करके आरोप लगाए हैं और समाचार पत्रों में उनका जो आलेख छपा हुआ है, निश्चित रूप से मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त तो करता है कि एक शासकीय सेवक को उसकी बात जाने बिना आरोपित करते हैं, या किसी मुद्दे को जाने बिना कि वो वास्तविकता क्या है। वो हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारा भी प्रतिनिधित्व शासन है, तो कम से कम एक बार हमारी बात भी सुने, उनको समझें। यदि हम गलत हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में खुलेआम रेत का अवैध खनन हो रहा है, और यदि उनको किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाती है। ताजा मामला मुरैना का है। यहां वन विभाग के कर्मियों को रेत माफियाओं से टक्कर लेना महंगा पड़ गया। एक साथ दर्जन भर से अधिक लोगों ने 2 वन कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल वन कर्मियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ ट्रैक्टर में कुछ लोग रेत भरने के लिए वहाँ गए हुए थे, जिसमें कुछ कहा सुनी हुई है, जिसपे अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी थाना प्रभारी से बात की है, थाना प्रभारी द्वारा बल्बे और का मामला कायम किया गया। मुरैना में देवरानी और जेठानी के मामूली विवाद में जेठानी के परिजनों द्वारा देवरानी को जबरन जहर पिलाने का मामला सामने आया है। ये मामला कैलारस थाना क्षेत्र के धुंधीपुरा गांव का है। यहां 31 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़िता का ग्वालियर में इलाज चल रहा था। पीड़िता की आज मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है, साथ ही पुलिस से न्याय की मांग की है। गांव धुंधीपुरा की, इसमें भैंस को पानी पिलाने को लेकर के परिवार के इसमें विवाद हुआ, और इसमें आपसी मार जो प्रथम दृष्टया अब इनके द्वारा बताया गया है कि उनमें मारपीट हुई और उसको जबरदस्ती जहर पिलाने का प्रयास किया गया। ऐसा हुआ है कि देवर बजा की लाई थी, तो उसने अपने भाई बुला करके मारपीट की है, तो घर में घेर के जहर पिलाया है उसके भाई ने। उसको शिवपुरी जिले के बैराड़ नगर के गायत्री कॉलोनी में एक युवक की छत विच्छत लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। शव आंगनबाड़ी भवन के बरामदे में पड़ा था। शव की शिनाख्त गायत्री कॉलोनी निवासी कल्याण शाक्य के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।